Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज की रेसिपी है प्रॉन्स क्रिस्पी. वेरी टेस्टी एंड वेरी ईजी. हम जो रेस्टोरेंट या ढाबा में खाते हैं, आप इसे ईजीली घर में बनाएं और इन्जॉय करें. आप इसे संडे मील में ऐड कर सकते हैं या जो आपके घर में गेस्ट आते हैं आप उसे खिला सकते हैं. ये बहुत ही टेस्टी बनती है. यहाँ मैंने 1/2 kg प्रॉन्स ले लिया है. इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी एज पर टेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और मैंने यहाँ पे टोमेटो चिली सॉस लिया है. 2 से 3 स्पून हम इसमें टोमेटो चिली सॉस ऐड कर लेंगे. अच्छे से इसे मिक्स कर लें. अब हमें इसकी कोटिंग रेडी करना है. मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कली को बारीक चॉप कर लिया है. उसमें मैंने नमक डाल लिया है एज़ पर टेस्ट, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर. अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी और ऐड कर लें. टोमेटो चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच जितना डाल लें, 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर. आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे. इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें थिक रखनी है, ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है. इसमें थोड़ा सा आप रेड फूड कलर ऐड कर लें. अच्छे से मिक्स कर लें. ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखना है ताकि जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो. अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल हीट कर लिया था. अब मैं इसमें एक एक प्रॉन्स को जो कोटिंग है उसमें डिप करके इसे डीप फ्राई कर लूँगी. और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक जो हमारी कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाती है. हम इसी तरीके से सारे प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे. एक पैन में आप एक थोड़ा सा तेल ले लें और 5 से 6 कली लहसुन की बारीक चॉप करी हुई, 1 चम्मच जितना ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ हमें 4 से 5 स्पून टोमेटो चिली सॉस लेना है. इसे 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करना है. अब जितने भी प्रॉन्स हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे. ये देखिए कितनी क्विक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी प्रॉन्स क्रिस्पी रेडी है. आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे इंजॉय करें. आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. बेल आइकन भी याद से दबा दें जो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी है वो फौरन मिल जाए. कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ. थैंक यू, बाय बाय.